अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऐप ऑफ द डे से मैं हूं इमाद खान और आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड लाइव। तो व्यूअर्स आइए देखते हैं कि आज ऐप ऑफ द डे में हमारे पास कौन कौन सी एप्स हैं। व्यूअर्स, आज की जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है उसका नाम है ग्रीनिफाई। ये आप देख रहे हैं कि इसके डाउनलोड जो है 10 मिलियन इसके डाउनलोड है और इसकी रेटिंग जो है 4.4 इसकी रेटिंग है। व्यूअर्स, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं कि एक बैटरी सेविंग एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने मोबाइल की बैटरी सेव कर सकते हैं। आपके पास जितने एप्लीकेशन बैकग्राउंड में खुले आप इस एप्लीकेशन के थ्रू उसको क्लोज कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज करेंगे। व्यूअर्स, हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, ये बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। व्यूअर्स, ये एक बैटरी सेविंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा अपने मोबाइल के लिए। व्यूअर्स, ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे ग्रीनिफाई का ऑप्शन है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे एंजॉय का ऑप्शन है, थर्ड हमारे पास यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके बैकग्राउंड में जितने भी मोबाइल में एप्लीकेशंस ओपन होंगे वो ऑटोमेटिकली इस एप्लीकेशन के थ्रू आपके क्लोज हो जाएंगे और आपके मोबाइल की बैटरी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। व्यूअर्स, ये सेकंड पे हमारे पास ये देखें कि इसका बहुत ही स्मूथ से टच है, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने मोबाइल सेटिंग्स इसमें से एक्टिव करा सकते हैं। अगर आपसे कोई फंक्शन इसमें भूल जाए, आपको वो एप्लीकेशन भूल जाए कि आपको क्लोज करना है, तो आप ये बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे एप्लीकेशंस आपके सेलफोन में क्लोज हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे इसका ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप अपने मोबाइल सेटिंग्स के मुताबिक इस एप्लीकेशन को इसमें एक्टिव करें। व्यूअर्स, ये देखें हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है। आपने अगर कुछ एप्लीकेशन इसमें यहाँ पे ऐड करनी है अपने मोबाइल फोन से, तो आप इसमें अपने मोबाइल फोन से एप्लीकेशन इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि वो आपके मोबाइल की बैटरी इसमें ज्यादा यूज ना हो। अगर वो एप्लीकेशन आपसे ओपन भी रह जाए तो आप अगर इस एप्लीकेशन के थ्रू वो ऑटोमेटिकली अगर वो एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर रहे तो वो क्लोज हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है बैटरी सेविंग के लिए, तो आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा और अपने मोबाइल की बैटरी इसमें सेव करें। व्यूअर्स, आज की जो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है इसका नाम है स्क्रीनशॉट यूटिलिटी। ये आप देख रहे हैं इसके डाउनलोड जो है 10,000 इसके डाउनलोड्स हैं और इसकी रेटिंग जो है 4.1 इसकी रेटिंग है। व्यूअर्स, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स में एडिटिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज करेंगे। व्यूअर्स, इस एप्लीकेशन को हमने ओपन किया, आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेन्यू का ऑप्शन है। हमारे पास ये एप्लीकेशन हमारी जीमेल आईडी से मुताबिक इसमें एक्टिवेट होगी। हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे फोल्डर का ऑप्शन है, आपके मोबाइल फोन पे जितने भी फोल्डर्स बने हुए और उस फोल्डर्स में जितने भी इमेजेस सेव है वो सब इमेजेस आपको इस फोल्डर्स में शो होंगे। व्यूअर्स, ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट हमने ली हुई है, तो ये देखते हैं कि हम इसमें एडिटिंग अब कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस स्क्रीनशॉट में एडिटिंग करना चाहें तो हम इस स्क्रीनशॉट पे आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये देखें कि हम इस पे जो इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस इसमें आ गए। अगर आपने इसमें कोई इमेज ड्रॉ करनी है तो आप इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपने एडिटिंग के दौरान उसको ब्लर करना है उस टेक्स्ट को, तो आप उसको ब्लर भी कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने उसको क्रॉप करना है तो आपके पास यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है 4th नंबर पे। 5th पे हमारे पास यहाँ पे बॉक्स का ऑप्शन है, अगर आपने उसमें बॉक्स बना के कुछ एडिटिंग करनी है तो आप उसमें बॉक्स पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। 6th नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास सर्कल का ऑप्शन है, अगर आपने उसमें एडिटिंग करनी है तो आप उसमें सर्कल ड्रॉ कीजिए और उस सर्कल के अंदर आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो 7th नंबर पे लास्ट ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे लाइन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ के भी उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें ब्लर करते हैं तो हम इसमें ब्लर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यूज, अगर आपने इसका जितना एरिया भी आपने ब्लर करना है, हमारे पास यहाँ पे नीचे ब्लर का ऑप्शन है, आपने इसको यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। व्यूज, अगर हमने इस इमेज में यहाँ पे कोई दोबारा अगर कोई टेक्स्ट हमने ऐड करना है तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, हम इसमें टेक्स्ट यहाँ पे लिखकर और उस टेक्स्ट को हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है, आप अपने कलर के मुताबिक अपना कलर चूज कीजिएगा और जो भी कलर आप उसमें ऐड करना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से टेक्स्ट को यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन, राइट और लेफ्ट आप इसको मूव भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी स्क्रीनशॉट इमेजेस में आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, आई होप आपको आज की एप्स पसंद आई होगी, आप इन एप्स को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आज की एप्स आपको कैसे लगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप वॉचिंग फोन वर्ल्ड लाइव। अल्लाह हाफिज़।